क्या हाल है भाइयों, आज बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग करनी शुरू की क्योंकि मैं बहुत दिन से दिल नहीं चाहता था मेरा ब्लॉगिंग करने का, तो अभी मैंने सोचा ब्लॉगिंग करना शुरू करूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया ब्लॉगिंग कर रहे, तकरीबन महीना हो गया मैं ब्लॉग डाले, आज ही हुआ शायद महीना, तो मैंने देखा तो एक महीना हो गया और मैं घूम तो बहुत रहा हूँ बाहर, तो रोज़ ही जा रहा हूँ तकरीबन, तो जब इतना काला भी हो गया क्योंकि धूप इतनी तेज है। तो हमने अभी ऑर्डर किए पर्दे डाइनिंग रूम में लाने के लिए, तो वो आ रहे हैं, उनको लेने जाएंगे फिर पर्दे लगवाएंगे, तो चलते हैं। काम खत्म, फिर सब समझ गया पर्दे लग गए और हम जो शीशा लगाए थे उसके हम छोटे हैं, तो शीशा लगाए नहीं, वहाँ सुराख कर दिया है लेकिन शीशा नहीं लगा क्योंकि ये हम छोटे, तो बाद में देखेंगे, ये पर्दे तो लग गए, ये भी लग गए। कल मैंने सारा कचरा उठा के नीचे लेके आया, मैंने फोन किया गाड़ी वाले को कि ये सामान मुझे लेके जाऊँ, तो आया नहीं, मतलब कल आऊँगा, आ जाना था उसको, तो अभी एक मशीन चल रही है यहाँ पर छत चल रही है, तो रास्ता बंद है छत चल रही, तो कल आएगा, तो कल ये सारा सामान मुझे लेना, सामान ले कितना सारा तीन से चार महीने हो गए घर बने हुए, ऊपर पड़ा हुआ सामान ये उतार रहा सारा, तो अभी हम ऊपर जाएंगे और अभी काम चल रहा था घर का, तो अभी ये टाइल लगे, अभी ये कलर ख़राब हो गया, ये कलर वाला आएगा कलर करेगा और ये टाइल भी कंप्लीट हो गए, अब यहाँ रेलिंग लगेगी, थोड़ा देर काम चल रहा है। इससे ऊपर अभी छत से सारा सामान था, यहाँ था पूरी साफ हो गई, अब मुझे जाना है, सोचते मैं पानी जाना जाना। हेलो मिट्टू बेटे, ये इसको मैं लाया था ब्लॉग में तकरीबन जब मैंने स्टार्ट किया था, दूसरे ब्लॉग में ही आया था ये, शायद तीस नहीं दूसरे में आया था ये। हाँ कैसे हो बेटे, ऐसे हो हाँ सही है, रोटी नहीं मिली, मैं ले क्या रोटी, रोटी खाएगा मुट्टी बेटा, आइए
और ये हमारे चकोर बड़ा डर है। ये मैंने इतने इतने से लिए थे, इतने इतने से, और अब ये देखो इतना हाथ से ही बड़ा हुआ है मेरा। बस अभी इसी सफाई दान डालते हैं, चलते नहीं सर। ठीक है, ब्लॉगिंग करने में ना मज़ा नहीं आता जब तक कि अपना दिमाग ना हो या अपने खुद का दिल नहीं चाहे। ज़बरदस्ती ब्लॉगिंग करेंगे तो मज़ा नहीं आता, जब दिल चाहता है तब करता हूँ। तो अभी तक मैं एक महीना मेरा दिल नहीं चाह रहा था तो मैंने नहीं की थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। याद है कि मैं बाइक लेने गया था तो बाइक का भी शूट नहीं किया था। अभी मैं नीचे आऊँगा दिखाऊँगा आपको बाइक, और बस यही बता रहा था दिल चाहेगा तो शूट करूँ, दिल नहीं चाहेगा तो शूट नहीं करूँ। अभी दिल चाह रहा था तो मैंने वो रखा तो स्टार्ट करके बड़े दिनों का महीना हो गया ब्लॉग करते हैं। तो बस छुट्टियाँ घूम रही यहाँ पर, चलें हम करते सफाई फिर चलते हैं। ये है सूरज मछली के बीच, और ये है ऑक्सीजन का मिक्स दाना, ये है चकोर का दाना, इसको ख़त्म हो गया सिर्फ बजरी पड़ी। ये खाता है भंग के बीज और बाकी बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके मिक्स दाना बनता है। वैसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका भंग के बीज। मेरा मुँह नहीं आ रहा ऊपर ये चकोर लोग ना मिट्टी में रहते हैं, तो मिट्टी में रहने की वजह से मैंने इसके अंदर स्वीट डिश नहीं की, उसके अंदर मिट्टी डाल दी है। मिट्टी तो नहीं बजरी है, तो जब उसे खाना हो या पानी है ये रोज़ ही डालना पड़ता है इसका। और यहाँ पर पानी में मिट्टी भर देते हैं, सूख गए हर जगह मिट्टी में, अरे पूरे बाहर भी मिट्टी मिट्टी हो गई। ये मिट्टी के पहले रहते नहीं, ये मर जाते हैं अगर सूखी में रहते हैं कुछ तक हो रहा हूँ। तो बस इससे ना इन दोनों से ज़्यादा ना चकोर में तंग है, ये बाहर मिट्टी जैसे नहीं पकती तो साफ है। मोरिना का भी अब थ्री नहीं है, इसमें बीज रखता हूँ मैं ताकि चूटियाँ ना लगे, क्योंकि ये इसमें फ़ौरन चूटियाँ लग जाती हैं। इसमें कनक रखता हूँ क्योंकि इसमें भी चूटियाँ लग जाती फ़ौरन। मेन चीज़ ये ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा, इतना सा बचा। ये है चकोर का खाना, तो इसे नहीं देखा। ये भंग है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की है। ये कल मार्केट जाके आज ना ये लेके आना इसका दाना, बाकी कनक भी पड़ी हुई है, पैकेट्स आते हैं इसमें ग्रीन पैरोट्स। ये तो सूर्यमुखी ये बीज खाता है, मिर्चे खाता है, रोटी खाता है, और कोई भी आप पापड़ खाओ लेस खाओ वो सब दे दे खा ले। देर अभी मैं ना ये सुबह पानी डाला था तो मैंने देखा यहाँ पे हड्डी पड़ी हुई, और हड्डी के साथ इतनी छूटियाँ। फिर अभी मैंने ना ये माउंटेन का को बैग से ये डाला और ये कड़ा पड़ी और छूटियाँ आ रही थी यहाँ से, तो हम यहाँ पे भी खरीदे थे। ख़त्म हो गया थोड़ा सा, ये आ रही इस खराब गमले में सारी छुट्टियाँ, और यहाँ ये कहीं कोई चील का वो जा रहा होगा, फेंक के हो गया हड्डी यहाँ पे आ गया। था इतनी सारी चिपक गई, इतनी सारी है अभी सब को पैक से मारी, सबको पैक से ख़त्म हो गया, मैंने दाग लगा दिया। चलो आप नीचे से नया लेके आएंगे इसको, तो फेंक दो। हाँ तो यार सफाई हो गई है, और मैं छुट्टियों में भी डाके फेंक दिया गया मार गए थे, लेकिन फिर भी गिर लेती कि इतना सारा मैंने पाउडर डालने के बाद भी ये खड़ा नहीं हो रहा, सेट नहीं हो रहा। ये एंगल इससे रखा है क्योंकि बात ही इससे, तो इस
सबको मुझे दिख रही है। अभी सीन ये हुआ था जब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था तो मैंने बोल बोल दिया इतनी बार बोला तो मैं जाओ जाओ। हाँ तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था तब ये मैं सफाई करने आया और ये उड़ गई। ये मैंने खोला ऊपर से निकली है और ऊपर जो टंकी बनी हुई है मीठे बनी हुई उसके नीचे जाके बैठ गई और हम समझे कि दूसरों घरों में से लेकर हमने सब घर जाके चेक किए कहीं पे भी नहीं चको। एंड मैं मुझे पता नहीं क्यों आया कि उसके नीचे हो सकती कि सामान रखा उसके नीचे तो हमने जाकर जब देखा तो उसके नीचे बैठी फिर हमने पकड़ के फिर यहाँ आके रखा। दूसरी कहानी ऑस्ट्रेलियन की, इसमें ऑस्ट्रेलियन एक गिरी हांडी के अंदर चल ये सफाई कर रहा था ये हुआ मुझसे बहुत रुकते रहते थे तो पता नहीं अम्मी डांटती रहती है हमें उड़ाता रहता तो फिर मैंने ये उड़ा वहाँ सीढ़ी पे जाके बैठ गया। वहाँ सीढ़ी पे जाके बैठा है तो मैं गया कपड़ा लेके मैंने बोला कि हम इसको पकड़ लेंगे अपना एक्सपीरियंस है तो पकड़ने तो जब मैं इसको पकड़ने गया तो ये उड़ गया और ये वहाँ दूर के आगे दोबारा मैंने बोला ये तो गया छोड़ मैं आगे सफाई करने लगा। जब सफाई हो गई मैं देख रहा हूँ ये दोबारा सीढ़ी पर आगे बैठा हुआ बोल रहे हैं मैं गया आराम से पीछे से आराम से कपड़ा और फिर तीन दिन का पत्नी कैसे आ गई या तो बहुत ज़्यादा हिल गया है या तो बहुत टाइम से मेरे पास इसलिए पहचान गई शायद या घर पहचान गया इसलिए ये भी अच्छी से तो बस ये थी कहानी यार। घर वाला बहुत खुशी लगी है ये ग्रीन पैरो यहाँ की सफाई करता तो ये तो ज़मीन की भी सफाई करनी चाहिए पूरी सफाई की इसमें पर रख दिया अभी ये लेके जाऊँगा नीचे और गार्बेज बॉक्स में डाल दूँगा तो बस ये तो करता रहता बस और वो तो काम करता वहाँ पर चले गया ये इस तरफ वहाँ से उड़ मैं लगाया और फिर आगे कहाँ बैठा वापस इधर सीढ़ी और अभी बस यही काम चल रहा है अभी मुझे अब मैं जाऊँगा नहाने वहाँ के फ्रेश होऊंगा फिर मुझे एक दो काम है वो करना है। अच्छा मैं ब्लॉगिंग में ऐसी वजह से नहीं कर रहा था क्योंकि काम बहुत होते हैं तो फिर ऐसे कैमरा पकड़ के घूम जा रहा हूँ अच्छा भी नहीं लगता और टाइम भी इतना कम होता है कि शूट कब करूँ फिर एडिट कब करूँगा टाइम ही नहीं मिल रहा था। अभी थोड़ा सा काम ख़त्म हुआ है रिलैक्स हो तो मैंने वाला कैमरा डाला और फिर अभी मैंने ऑर्डर भी दिया था पर्दों का पर्दे आके लग गए पर्दे लगने के बाद ही ये मशीन नीचे मशीन आई हुई किसी की छत डर ली तो बस अभी हम जाते हैं नीचे फिर फ्रेश होंगे फिर मिलते हैं जो करते हैं हम वो आपको दिखाते हैं। अभी ये हमारा घर तो बन गया था लेकिन अभी थोड़ा काम बाकी था लॉकडाउन शुरू हो गया था तो काम बंद हो गया था तो अभी इस खिड़कियों का ऑर्डर दिए बड़ी बड़ी खिड़कियों के तो अभी तकरीबन नियमत भाई एक हमारे वो भी देख रहे होंगे तो जल्दी बना के लगाते मैंने बोला था 8 से 10 दिन अभी 4 दिन हो गए 6 दिन और देखते हैं फिर फोन करूँगा ये खिड़कियाँ लगेंगे बस अभी कल आएगा सामान वाला उठा के ले जाएगा ये सब सीढ़ी उतरने जाएगा हल्का ये सीढ़ी नीचे लेके जानी है क्योंकि एक टायर का पीस बचा था 2 लगाने हैं। अब विक्की भाई आ गए हमने नमाज भी पढ़ ली है अब ये लेके जाएंगे क्या नहीं लगेगी लग जाएगी हाँ तो यार ये टायर लग गए थे और वो गायब हो गए थे विक्की भाई अब एक पीस ये बचा हुआ है एक पे इसके नीचे बचा हुआ है यहाँ ये दोनों लगाने का हाथ नहीं जा रहा था सीढ़ी उतार के लाया ऊपर अब लगाएंगे I'm gonna go to the top.